मिलकर इस चीज को देखते हैं कि एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हैं और इस चीज को बगैर कोई आड़ के खिताबत में मेरा मौजू खिताबत है मुस्लिम खवातीन में फितना इक्तदार असबाब व इलाज। हजरात हम और आप इस हकीकत को अच्छी तरीके से जानते हैं और आए दिन अखबार और रसाइल के जरिए ये खबरें हमें बराबर मौसूल होती रहती है कि आज मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचाने में लगी हुई है और ये सैलाब बहुत तेज़ी के साथ जारी है कि मुस्लिम कौम की बेटियाँ इक्तदार के शिकार हो रही है जिसके बिना पर आज पूरे माशरा बर्बाद व हलाक होने के दहाने पर है, जिनकी फिक्र हमें और आप है, जिनकी फिक्र खुदानेश्वरा ने कौम और मिल्लत को दामनगीर है। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो ये सूरत हाल कैसे पैदा हुआ, तो अब आइए हम जानते हैं कि वो कौन से असबाब वजूहात हैं जिनके बिना पर मुस्लिम खवातीन मुर्तद हो रही है। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में सबसे बुनियादी सबब यह है कि दीनी तालीम और तरबियत का फुकदान। आज हमारे माशरे में दीनी तालीम और तरबियत का फुकदान है, हमारा घर मुकम्मल तौर पर दीनी तालीम और तरबियत से खाली है, हमारा माशरा बेगाना हो चुका है, तालीम की तरफ उसका कोई फिक्र नहीं, जिसकी वजह से आज मुस्लिम बच्चियाँ इर्तदाद के शिकार हो रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि वालिदैन अपने बच्चों की सही से तरबियत करें और दीन इस्लाम की तालीम दिलाए और साथ ही साथ बचपन ही से उनके दिल और दिमाग के अंदर अकीदा तौहीद ईमान और इस्लाम की बुनियादी चीज और साथ ही साथ हलाल व हराम की भी दर्श दे। दूसरा सबब इस्लामी पर्दे का ना होना, वो इस्लामी पर्दा जिसको शरीयत ने हम पर फर्ज करार दिया है। फरमाने बारी ताला है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिखुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। लेकिन हम आज अपने पर्दों को पसे पुस्त डाल दिया और उसका अहतमाम नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमारी माँ बहनें बेपर्दा होकर घूमती है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा करती भी है तो वो गैर शरीय पर्दा है। जबकि पर्दे को अहतमाम करना शरीयत ने हम पर लाजिम करार दिया है कि हम अपने माँ बहन बेटियों को पर्दे के आड़ में रखें। तीसरा सबब तो मखलूत तरीका है तालीम। आज वालिदैन अपने बच्चों को आला तालीम देने की गर्ज से ऐसे ऐसे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलाते हैं जहाँ मखलूत तालीम होती है और उसका अहतमाम नहीं होता है कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मखलूत होकर तालीम हासिल करते हैं और इस चीज का किसी को एहसास नहीं होता है और वालिदैन कोई वालिदैन अपने लिए शर्म और आर महसूस नहीं करते हैं बल्कि फख्रीले अंदाज से कहते हैं कि हमें मखलूत तालीम दिलानी है गरचे हमारी इज्जत और नामूस तो हो जाए गरचे हमारी इज्जत मिट जाए। मेरे भाइयों, उफ ऐसे तालीम पर, लानत है ऐसे तालीम पर जिस तालीम से आपकी इज्जत में दागदार हो, जिस तालीम की वजह से मुस्लिम खवातीन मुहरिम और मुहरिम के दरमियान फर्क ना कर सके। इसलिए वालिदैन के लिए बेहतर यह है कि वो अपने बच्चों को घर में जाहिल बनाकर बिठा के रखे कि वो ऐसे इदारे में दाखिला कराए जहां मखलूत तालीम होती है। वालिदैन के लिए जरूरी है कि वह अपने बच्चों के लिए ऐसे इदारा का खोज करे जहाँ उनको बिल्कुल अलग अलग तरीके से तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने इस चीज़ को भांपा, इस चीज़ का खसूसी ख्याल रखा और उनके लिए अलग अलग इदारे कायम किए। चौथा सबब शादी में ताखिर करने की वजह से माशरा में जिना आम हो जाता है जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कियाँ मुर्तद के शिकार हो जाते हैं और शादी में ताखिर करने के कई असबाब हैं। उनमें से यह है कि वालिदैन का बालिग लड़के और लड़की की तरफ ध्यान ना देना और माशरे में जहेज और बारात जैसे लानत का परवान चढ़ जाना जिसकी वजह से शादी मुश्किल से मुश्किल तरीन मसला बन चुका है। और जबकि बाबर का शादी तो वह है जिसमें खर्च कम हो और बआसानी से शादी मुकम्मल हो जाए। मेरे भाइयों, इर्तदाद के असबाब में से एक सबब यह भी है कि औरतों को मीरास में हिस्सा ना दिया जाना। जब औरतों को मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता है तो वो ये समझती है कि हम भाग कर दूसरों से शादी कर लेते हैं इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि अपने माशरे में, अपने समाज में इस्लामी शरीयत के मुताबिक फ़राइज़ मीरास को तकसीम किया जाए ताकि वो इस उम्मीद से बैठा रहे, ताकि वो ये उम्मीद लगाए रहे कि अगर हम
اگر ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے والد کی مال و جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ فحش فلم اور سیریز وغیرہ کا باضابطہ دکھایا جاتا ہے، جن میں والدین بھائی بہن سب مل کر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہندو لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، اور اس چیز کو بغیر کوئی آڑ کے تمام لوگ، گھر والے تمام لوگ ایک ساتھ دیکھتے ہیں، جس سے بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، جس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ، مسلم لڑکیوں کے ہندو لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی حرج ہوتا تو ہمارے والدین ایسے چیزوں کا پروگرام ہمارے گھروں میں نہیں دکھاتے۔ اس لیے میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں سے ٹی ویوں کا بائیکاٹ کیا جائے، فلموں اور سیریزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور انہیں اسباب میں سے ایک سبب انٹرنیٹ اور موبائل کا استعمال کرنا، جس کی وجہ سے آج والدین اپنے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کے پاس نہ جانے کتنے آئی ڈی اور اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، نامحرموں سے بات کرتے ہیں، غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں، اور بات کرتے کرتے آخرکار یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے محبت کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے عاشق معشوق کے جال میں پڑ جاتے ہیں، اور تب جا کے اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتے ہیں۔ یہی سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔